भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जारी किए गए नंबरों में परिवर्तन करते हुए अब एक ही कंबाइंड नंबर बना दिया है। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा आरपीएफ के लिए 182 बनाया हुआ था, जबकि शिकायत के लिए 139 और 138 था। अब इन सभी को मर्ज करके एक कॉमन नंबर 139 और रेल मदद ऐप कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा नया नंबर जारी किया गया है। मुरादाबाद डीआरएम तरुण प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ने ये यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि उन्हें किसी भी सहायता के लिए अलग अलग नंबर याद न करना पड़े। यात्री अब 139 नंबर डायल करके अपनी कोई भी सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकेगा। वही रेलवे स्टेशन पर यात्री सैयद फराज हुसैन से 139 नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने टोल फ्री नंबर मिलाया था और हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। रेलवे द्वारा जारी किए गए इस नंबर से यात्रियों को किसी भी जानकारी या असुविधा को बताने में आसानी होगी। ये भारतीय रेल की अच्छी पहल है। जी सैयद फराज हुसैन, अभी मैंने ये रेलवे की 139 टोल फ्री सेवा को कॉल किया, इसके ऊपर जो मुझे जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मिल गई और ये रेलवे की बहुत अच्छी सुविधा है जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बाकी बहुत सुविधा होगी, आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है और कहीं पूछताछ या कहीं जानने से अच्छा अगर हम अपने फ़ोन पर जानकारी प्राप्त कर लेते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी कई सारे नंबर जो है पैसेंजर के इंटरफेस के लिए चलते रहते थे, जैसे आरपीएफ के लिए 182 नंबर था, कुछ कंप्लेंट्स के लिए 139 था, कुछ कंप्लेंट्स के लिए 138 था। इन सभी को मर्ज करके कॉमन इंटरफेस नंबर 139 और जो रेल मदद ऐप है वो कर दिया गया है। यह इसलिए करा गया ताकि पैसेंजर्स को अपने इंटरफेस के लिए कोई एक ही नंबर को याद करने की आवश्यकता है जो ईजी टू रिमेंबर है 139। और रेलवे की जो इंटरनल वर्किंग है वो 139 जिस विभाग से संबंधित होगा, जैसे आरपीएफ विभाग से संबंधित होगा तो आरपीएफ को जैसे 182 पे कॉल ट्रांसफ़र होती थी वैसे उन पे ट्रांसफ़र होती रहेगी, इंटरनल वर्किंग वैसे ही चलती रहेगी। एज़ फार एज़ एक्सटर्नल इंटरफेस जो है जो पैसेंजर का वो एक कॉमन इंटरफेस हो जाएगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी, उनको ये एक ईजी टू रिमेंबर नंबर रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा के लिए या किसी तरह की कंप्लेंट के लिए या रेलवे के पास किसी सूचना के लिए पहुँचने के लिए एक ही नंबर रहेगा।